दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जी दोस्तों नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग जी। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट तो करते हैं साथ साथ आपका अपने स्टैक मास्टर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत भी करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन स्टेटमेंट चल रहे हैं फिलहाल, और स्विच केस हमने पिछली क्लास के अंदर आपसे डिस्कस किया था, थियोरेटिकल हमने देखा था और एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था। इस बार आज की क्लास में हम लोग स्विच केस के कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपके लिए आज लाए हैं, क्योंकि स्विच केस से रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चंस और कई सारे जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे एग्जामिनेशन के अंदर आती है। अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन जो होते हैं, जैसे आप लोग ओ लेवल का या फिर बीसीए वगैरह का कोई एग्जाम देते हैं तो, या फिर बीटेक लेवल पे भी अगर आपको एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी स्विच केस के कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन स्टेट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट होते हैं। चाहे आप लोग सी पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं, या फिर आप पीएचपी कर रहे हैं, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं, ये जो जनरल कंसेप्ट चल रहे हैं ये हर एक लैंग्वेज का एक बेस होता है, एक आधार होता है। तो ये आधार आपको, ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। तो एक प्रयास है आज हमारा आपको एक क्लियरिफिकेशन देने का और आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को और ज़्यादा बढ़ाने का। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल इसको रन करके दिखा रहे हैं स्विच केस के लिए, मेनली आज काम का जो हमारा कंसेप्ट है स्विच केस, उसी को हम रन करके दिखाएंगे। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से वॉच करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे सेंड करेंगे और प्रॉब्लम का अपना समाधान लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आप अगर सेंड नहीं करेंगे तो देखो ये मैं चीज़ हर रोज़ बोलता हूँ, अगर प्रॉब्लम्स आप डिस्कस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ही रह जाएगी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेस चल रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये आपका अधूरा रह जाएगा। तो आप इसको रिमूव करें और साथ ही साथ अपना बेस मजबूत करें, आज की क्लास में पूरी तरह से आप फोकस करें और अपने लैंग्वेज का जो डेप्थ स्टैंडर्ड है उसको आगे बढ़ाएं। आइएगा प्रैक्टिकल से। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। सबसे पहले सी ओपन कर लेते हैं। जी ये सी ओपन हो गई और आपको याद होगा आज हमें क्या करना है, आज हमें स्विच केस के एग्जांपल्स बनाने हैं और उनको सीखना है। तो एक एग्जांपल तो हम लोग वही रखते हैं जो हमने अपनी प्रीवियस थ्योरी क्लास में आपसे डिस्कस किया था, डेज नेम प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लगा लेते हैं। एसटीडी और कोनियो वर्ड मेन फंक्शन हमने लगाया, ओपनिंग ब्रेस और साथ ही हम लोग गेट सी एच लगा के क्लोजिंग ब्रेस भी लगा देते हैं, बीच में गैप दे देते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन डे एक वेरिएबल बना लेते हैं सी आर और एस सी आर फंक्शन स्क्रीन क्लियर करने के लिए। डे के अंदर वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, प्रिंट एंटर, डे नंबर फ्रॉम 1 to 7 ओनली, सेमीकोलन लगाएं और स्कैन करें, स्कैनर क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो परसेंट डी और कॉमा लगा के परसेंट साइन और वेरिएबल का नाम इट मीन्स डे। अब हमें यहाँ पे स्विच केस का यूज़ करना है क्योंकि हमारे लिए डे एक्सप्रेशन है, जैसे हमने सिंटेक्स में देखा था प्रीवियस वीडियो क्लास के अंदर। तो अब मैं
स्केच और इसके अंदर एक्सप्रेशन इंटरव्यूज डे सप्लाई करेंगे, ओपनिंग ब्रश और लास्ट में ये क्लोजिंग ब्रश कराएंगे। ये गैस थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ हम लोग केस बना के तैयार करते हैं। केस फर्स्ट केस रहेगा अगर डे की वैल्यू 1 है। आपको याद रखना केस और वैल्यू के बीच में एक स्पेस देना है, उसके बाद आपको कोलन लगाना है और यहाँ पे स्टेटमेंट देने हैं। आप केस के बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस देना चाहें दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो भी ये एग्जीक्यूट होगा विदाउट किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे हमें प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू डे नंबर डे नेम प्रिंट करना है। ये हमने संडे प्रिंट किया और ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, ब्रेक सेमी कोलन लगाएंगे ब्रेक के बाद। और ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। बाकी के रिमेनिंग केस भी हम इसी तरह से बनाएंगे। फिर से हम लोग केस सेकंड स्पेसिफाई कर देते हैं। केस का कलर देखेगा वाइट कलर का हो जाता है जब हम लोग टाइपिंग कर लेते हैं सही स्पेलिंग के साथ। केस नंबर सेकंड में हमने डे की वैल्यू चेक की है 2, फर्स्ट में हमने 1 चेक किया था। और इस बार हम लोग प्रिंट करेंगे सेकंड हमारा जो मंथ सॉरी वीक का जो डे होता है मंडे और सेमी कॉलन देन ब्रेक सेमी कॉलन। इस तरह से आप केसेस लगाएंगे 7 के 7 केसेस। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आप माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बाय यूजिंग कीबोर्ड और माउस दोनों केस में आपको कॉपी पेस्ट करके सिखा रहा हूँ। आप सेलेक्ट करें फर्स्ट स्टेप और एडिट मेन्यू में जाके आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल इंसर्ट इसके शॉर्टकट की भी आप डायरेक्ट कॉपी करके भी आप वापस पेस्ट करने के लिए कर्सर पोजीशन चेंज करें और एडिट में जाएं वापस को पेस्ट कर सकते हैं। तो थर्ड केस आपका बनके तैयार हुआ और आप यहाँ से जी हाँ थर्ड केस बनाया आपने। आप इसको सेलेक्ट करके दोबारा भी कॉपी कर सकते हैं। शॉर्टकट की आपको फिर से याद दिलाते हैं हम लोग, कॉपी के लिए होता है कंट्रोल इंसर्ट और पेस्ट के लिए होता है शिफ्ट इंसर्ट। आप देखिएगा तो हमने क्या किया, इसको हमने शिफ्ट एरो के साथ सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ इंसर्ट की प्रेस की और पोजीशन आप चेंज करें और शिफ्ट के साथ इंसर्ट की प्रेस करें पेस्ट के लिए। तो ये हमारा फोर्थ केस बना, हम चेंज करेंगे अभी। और ये फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ, टाइपिंग थोड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। मंडे ट्यूसडे और ये यहाँ पे फोर्थ डे नेम वेनेसडे केस को भी आप चेंज करते चलें। केस 5, 6 और यहाँ पे हमने फ्राइडे, केस 7 सैटरडे और लास्ट में हमारा जो रिमेनिंग है वो है डिफ़ॉल्ट। इसको आप ज़रूर लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे लास्ट में और यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज देंगे प्रिंट एफ। अगर कोई 1 और 7 से रेंज से बाहर कोई वैल्यू डाल देते हैं उसको हम लोग यहाँ पे उसको मेंटेन करेंगे। प्लीज एंटर 1 2
सेवन नंबर, इस तरह से आपको एक प्रॉपर मैसेज देके डिफॉल्ट स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करें। अब आप इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले एरर चेकआउट कर लेते हैं हम लोग ऑल्ट के साथ, F9 प्रेस किया हमने, कोई एरर नहीं है। फिर कंट्रोल के साथ F9 प्रेस किया हमने, तो देखिएगा ये डे नंबर आपसे स्कैन कराया जा रहा है। एंटर डे नंबर फ्रॉम 1 to 7, सपोज हमने 1 डाला और एंटर की प्रेस किया, देखो संडे प्रिंट हो गया। इस आउटपुट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखो जैसे हमने यहाँ 1 डाला है, 1 के बाद 1 से पहले थोड़ा एक स्पेस आना चाहिए, वो हम लोग प्रॉपर सेट कर लेते हैं, क्योंकि आउटपुट हमें थोड़ा सा और सही लगना चाहिए। इस पर यहाँ हमने थोड़ा गैप किया। दोबारा फिर से हम रन करके दिखा रहे हैं आपको। इस बार हमने सपोज 3 डाला, एंटर प्रेस किया, तो जो थर्ड ऑर्डर पे आने वाला जो हमारा डे नेम है वो प्रिंट हो गया इस तरह से। इस बार हम लोग एक बार फिर से रन कर लेते हैं। 7 हमने डाला, तो देखिएगा सैटरडे। एक बार फिर से हम लोग रन करके दिखाते हैं। इस बार हम लोग जो मंथ की रेंज है वो हम चेंज कर लेते हैं। इस बार हम 8 डालते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिएगा प्लीज़ एंटर 1 to 7 नंबर ओनली। ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमने स्पेसिफाई किया था उसका मैसेज आ गया। इस तरह से आप लोग स्विच केस के अंदर अपने स्टेटमेंट डाल के प्रॉपर एक कंसेप्ट बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल था आपके लिए जो हमने इस्तेमाल किया। आप एक बार फिर से पूरे प्रोग्राम का वॉच कर लीजिएगा। जरा मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। हमने हेडर फाइल स्पेसिफाई की, हमने फंक्शन लगाया वॉइड मेन, वेरिएबल नेम दिया CLRSCR, मैसेज डाला, स्कैन किया, स्विच केस हमने डाले, देखो 1 2 3 4 5 6 7 के 7 हमने केसेस यहाँ पर डाले हैं, और लास्ट में हमने डिफ़ॉल्ट डाला है। और हमने ये जो आप देख रहे हैं लास्ट में ये केस ऑफ हुआ है हमारे यहाँ पे, और गेट स्विच के बाद हमारा ये जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर ऑफ हुआ है। तो इस तरह से आपको स्विच केस का ये एग्जाम्पल ट्राई करना है। सेकेंड एग्जाम्पल की रेडी है, मैं सेकेंड एग्जाम्पल भी आपके लिए तुरंत अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो आप देखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। इस बार हम लोग क्या करते हैं, मैथ ऑपरेशंस स्विच केस के थ्रू आपको सेलेक्ट करके दिखाते हैं आपके लिए। तो एक ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल रहेगा, इसको आप ध्यान से वॉच करें। सबसे पहले हम वही हेडर फाइल लगा लेते हैं। मेन फंक्शन लगाएं वर्ड मेन, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस लगाएं, ये काम साथ ही आप निपटाते जाएं ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस का। इस तरह की प्रोग्रामिंग से आपके जो स्टेटमेंट कभी मिस नहीं होते, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस कभी मिस नहीं होते, तो आपको कोडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। एक बार हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा और सीखने को मिलेगा। इस बार हम लोग एक वेरिएबल n1 और एक वेरिएबल n2, और क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना है तो इस बार हमने एक रिजल्ट CLR बना लिया, और CLR और SCR ये हमने फंक्शन लगाया। ये प्रॉपर स्टाइल होता है, इसी तरह से आप फॉलो करें। इस बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल को स्कैन करते हैं, और मैथमेटिकल जो ऑपरेशन हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हम लोग दो वेरिएबल को स्कैन करने के लिए उनका कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन सेलेक्ट करेंगे हम लोग स्विच केस के थ्रू। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो आप इसको ध्यान से वॉच करें। मैं टाइप कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे आप ज़रा ध्यान दें, आप ज़रा सीखने की कोशिश करें।
तो ये हमने एक मैसेज बनाया, आप समझ गए होंगे। तो हमें कैलकुलेट या तो ऐड करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। जो हम दो नंबर इनपुट करेंगे उनमें से सिलेक्शन कैसे होगा कि क्या ऑपरेशन होनी है, वो स्विच केस के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्कैन कर लेते हैं। स्कैनर, इस बार हमने फ्लोट टाइप का स्पेसिफायर लिया है, तो आप परसेंट टाइप का इस्तेमाल करें। दो वेरिएबल स्कैन करने हैं तो टू टाइम्स परसेंट एफ लगाएं, और एम परसेंट एन वन कॉमा एम परसेंट एन टू सेमी कोलन लगाएं। अब हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई या डिवाइड, इसके लिए भी मैं प्रॉपर एक मैसेज परफॉर्मा बना के तैयार कर देते हैं यूजर्स के लिए। लाइन ड्रॉ कर देते हैं दो, इस तरह से आप एक आउटपुट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छा लगता है। हम लोग स्लैश एन भी लगा देते हैं लाइन चेंज करने के लिए। आप देखिएगा ये आपके लिए सब कुछ नया कंसेप्ट है। मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे और फिर सिंगल लाइन डाल देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग स्कैन कर लेते हैं। किसमें स्कैन करना है इस बार? जी हाँ, आर के अंदर। अब आप, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से कुछ क्या हो रहा है, हो सकता है आपको क्लियर हो रहा हो। सबसे पहले एक मैसेज आएगा, उसके बाद एक प्रॉपर डिज़ाइन आएगा, एक ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई के लिए। ऐड के सामने वन लिखा होगा, सब्ट्रैक्ट के सामने टू, मल्टीप्लाई के सामने थ्री, और डिव के सामने फोर लिखा आएगा। और अगर हमें ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग वन प्रेस करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो टू प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं थ्री प्रेस करेंगे, इसी तरह से अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो फोर प्रेस कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट है। ये तो आर के अंदर हम लोग वो रिक्वेस्ट डालेंगे, आर के अंदर हम वो रिक्वेस्ट डालेंगे। अगर वन होगा तो एडिशन, टू होगा तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई के लिए थ्री और डिवाइड के लिए फोर होगा। आर को हम लोग क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट की तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल और बना लेते हैं इंट टाइप का, और इसको हम लोग जो हमारी ऑपरेशन है उसके लिए बनाते हैं यहाँ पे। जी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेते हैं ओ को, और यहाँ हम लोग लगाते हैं परसेंट जी टी जी, क्योंकि हम लोग जो रिजल्ट है वो आर के अंदर स्टोर करेंगे।
एन वन और एन टू का जो रिजल्ट आएगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा या फिर एडिशन होगा। तो हम लोग ओ को हम लोग अब स्विच केस के अंदर लाते हैं। आप जब यहाँ से देखिएगा स्विच, और यहाँ पे हम लोग ओ एक्सप्रेशन डाल लेते हैं या अपने वेरिएबल को डाल लेते हैं। ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, थोड़ा सा लेंथी हो गया हमारा एग्जांपल, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केस इस्तेमाल कर रहे हैं, केस ओ के अंदर हमें वन अगर मिल जाता है, आपको लगाना है यहाँ पे वन के साथ कॉलन। अगर वन हमें मिल जाता है तो हमें क्या करना है जी, एन वन और एन टू का एडिशन करना है आर के अंदर जी। आर इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू जी, प्लस हो जाएगा और उसको आप प्रिंट कर देंगे। एंटर, और आप जानते हैं आर हमारा जी फ्लोट टाइप का है, तो आप इसका यहाँ लिखेंगे सम इज इक्वल टू, इस तरह से मैं इसे बना देंगे और यहाँ पे हम लोग आर को प्रिंट करेंगे जी। ये तरीका रहेगा और साथ ही हम लोग ब्रेक भी करेंगे इसको। ये हमारा फर्स्ट केस तैयार हो गया है। सेकंड केस भी बना के तैयार करते हैं। अगर हमारे सेकंड केस यानी कि ओ के अंदर अगर लोग टू डाल देते हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो आर इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू रहेगा, और प्रिंटर बिल्कुल सेम जैसे ही, लेकिन इस बार क्या होगा, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, और हम लोग क्या करेंगे परसेंट एफ के साथ हम प्रिंट कर देंगे आर को। ये सेकंड केस है, आप लोग इसको ब्रेक भी करेंगे, ब्रेक करना आप नहीं भूलेंगे। थर्ड केस, अगर हम लोग ओ के अंदर डाल लेते हैं थ्री, तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू एन वन मल्टीप्लाई एन टू और सेमी कोलन, और इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कर मैसेज बना दें टी इज इक्वल टू परसेंट एफ, कॉमा लगाएं और आर लिखें सेमी कोलन और ब्रेक करें। ब्रेक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसी तरह से केस फोर, केस फोर कोलन आप लगाएं। अगर ओ के अंदर आप फोर डाल देते हैं तो क्या होगा, आप सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, तो इस बार हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देंगे जी। हाँ, एन वन डिवाइड बाय एन टू, और इसको आप करेंगे फिर और ये आ गया हमारा डिवाइडेशन, और लगाना है परसेंट एफ, कॉमा लगा के आप रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। और जी हाँ, सेम कोलन लगाना नहीं भूलेंगे और ब्रेक भी लगाएंगे। इस तरह से हमें ये चार ऑपरेशन डाली, आप डिफॉल्ट भी लगाएं। हो सकता है कि वन से लेके फोर तक के अलावा अगर कोई यूज़र हमारा कोई और नंबर डाल दे ओ के अंदर, तो उसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये हमने जो थोड़ा गैप था ये हमने इसको फिनिश किया। अब हम लोग अपने प्रोग्राम को एक बार चेक कर लेते हैं और रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है। तो आप क्या करें जी, वार्निंग और एरर सब जीरो है। आप लोग कंट्रोल प्लस एफ नाइन से रन करते हैं जी। हाँ, ये एंटर एनी टू नंबर्स टू कैलकुलेट एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब कुछ मैसेज आ गया। एक बार मैंने
12 एंटर प्रेस किया, 23 डाला और एंटर प्रेस किया। इस बार हमें मैसेज आ गया हमारा एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो हम चाहते हैं ऐड करना, तो 1 डाला हमने। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे देखो दोनों वैल्यू का एडिशन हमारे सामने आ गया। आप हमारे डिज़ाइनिंग में देख रहे हैं 4 के सामने ये जो लाइन है इसको हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं ताकि हमें ये प्रॉपर शो हो जाए। एंटर प्रेस करके वापस आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं हम लोग। जी हाँ, एक हम लोग क्या करें यहाँ पर भी एक लगा देते हैं स्लैश एन, जी बिल्कुल यहाँ अच्छा रहेगा। और फिर से हम लोग रन कर लेते हैं Ctrl+F9 और इस बार हमने कोई दो नंबर दिया 23 और 45 यहाँ इस तरह से रहा। इस बार हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम लोग 2 डाल देते हैं और एंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरह देखो सब्ट्रैक्शन आ गया है। एंटर प्रेस करते हैं एक बार फिर से रन करके दिखाते हैं आपको और ये डाला डिवाइड करके देखेंगे। इस बार हमने क्या करा 56 और 10 डाला, डिवाइड करना चाहते हैं तो हमने 4 डाला और एंटर की जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये डिवाइड होकर रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने स्विच केस का इस्तेमाल एक टेक्निक इस्तेमाल करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार पूरे प्रोग्राम को आप वॉच कर लें और इस प्रोग्राम को हम नोट करके टेस्ट करके देखें। तो ये हमने बोर्ड में लगाया और वेरिएबल्स आप देखते चले जाएँ क्या क्या हमने लिखा है, आप पूरी तरह से वॉच करें और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसको और अच्छे लेवल पर हम लोग आगे चल के टेस्ट करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जाम्पल है आपके लिए जो स्विच केस के अंदर हमने सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने रखा, इसे आप लोग टेस्ट करें। दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, अगली क्लास तक हम लोग आपसे विदा लेते हैं। इसको हम ऑफ कर लेते हैं, आप विंडो से जाके क्लोज ऑल कर सकते हैं। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यस कर लें, मैं सेव नहीं करना चाहता तो मैं नो कर लेता हूँ। और फाइल से जाके यहाँ से आप क्विट कर लें और EXIT लिखें, एग्जिट लिखकर एंटर की प्रेस करके आप बाहर आ जाएं।